ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। और फिर टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बुमराह अगेन, बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह, इट इज लाइक अ पैराडॉक्स नाउ फॉर ओपनिंग बैट्समैन। जी जी, आपका सिलेक्टेड था बुमराह। It was like a snake the way he was bowling. नहीं, बुमराह का नंबर वन आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें, बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है, वो डिजर्व भी करता रहा। जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। और देख, आपको तो पता ही है भाई, उसको छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, उसको 20 स्कोर बड़ी मुश्किल से पड़ता है। बुमराह इज वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी बॉलर की लग रही है, वो है कंट्रोल। हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर वन ICC रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंक मतलब क्रिएट कर दी, इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफा नंबर वन बनाए। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ी यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव, ये ऐसे नहीं की जाती है, इसके पीछे हार्ड वर्क है। तो उन्हें उधर से बड़ी ओवर स्मार्ट हरकत करते हुए नसीम शाह का नाम लिया, लेकिन वो अब्बू तेरा बुमराह टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे आई स्टैंड। तो भाई उसने तुझे रिप्लाई नहीं दिया, तुझे डांग दी। वो जरूरी है, वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बॉल कर दिया। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसके उसमें नजर आता है, नजर आएगा। द लेडर, द वे ही इज परफॉर्मिंग, द कंट्रोल, द पेस, द वेरिएशंस, इट्स जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है। मैंने कभी बुमराह को जो है ना बाहर एक्स्ट्रा बाहर या फिर वाइड फजूल किस्म की बॉल देते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है वो पैड में मारता है, बॉडी में वो कोशिश करता है, वो ज्यादा ज्यादा बॉल को मारता है, वखियों में वो बॉल मारता है। तो मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर वन पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। फिर टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था, एज अ कोच ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. complete bowler, mentally and physically. आगे left hander को उस angle से बाहर निकालना again, that is yes, there you go, very very difficult. You see, जब मैं it's like Bumrah bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब ball करता है, तो उसकी seam ऐसे होती है। जो seam ऐसे होती है, वो ऐसे लाके मारता है ये। इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को, तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीटी होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउटस्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विक, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माय सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेल। नो रूम फॉर दैट, बट इट्स काइंड ऑफ अ लेंथ वेयर ही बॉल्स विद द न्यू बॉल ये हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, जिसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी भी बॉलर की लग रही, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे के ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीजें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये
कि जो अभी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है, लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजिशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दी है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसके उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच जब देखते हैं, बहुत से बॉलर का हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसे क्या करना है, शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, यू नो, और अगर स्टार क्या है वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आपको कोई पता नहीं बुमराह ने कहां मतलब से उसको एक एक मैच होगा और वर्ल्ड कप फाइनल का पहला होगा। इसके अलावा मुझे नहीं याद आता टेस्ट और टी20 हो, इस टी20 वर्ल्ड कप में तो उसको मार पड़ी नहीं ना, बिल्कुल इस टी20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाई हुई थी, वही बात आती है ना। फिर ऐसे क्या खासियत है इस बॉलर के अंदर ये इतने आपको बेस्ट बनाता है? देखो 150 की पेस नहीं है, नहीं या तो 150 की पेस हो, या जिसको कहते हैं ना मेगा, जो जैसे ना इंडिया का भुवनेश्वर कुमार का स्विंग मिलता होता था, वसीम अकरम का स्विंग होता था, नहीं नहीं इतना स्विंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्पेशल है। देखें वो स्पेशलिटी क्या है उसमें, यही तो चीज है। एक तो उसका जो रनअप है वो छोटा है, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो कहते हैं बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट है। और दूसरी एक जो मेन चीज है वो बॉडी टू बॉडी बॉल करता है। आपने उसको मुझे नहीं पर, आप मुझे खुद बताएं, मैंने कभी बुमराह को जो है ना बाहर एक्स्ट्रा बाहर या फिर वाइड फजूल किस्म की बॉल देते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है वो पैड में मारता है, बॉडी में वो कोशिश करता है, वो ज्यादा ज्यादा बॉल को मारता है, वखियों में वो बॉल मारता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको स्कोर कम से कम पड़ता है। उसकी लाइन और लेंथ जो है ना बुमराह की वो बहुत शानदार। बड़ी अच्छी आपने बात की बॉडी टू बॉडी, हम अक्सर देखते हैं जो बॉलर होते हैं वाइड यॉर्कर की तरह ट्राई करते हैं, वो नहीं आज तक बुमराह को नहीं देखा। वही सवाल है ना कि मतलब कि क्या चीज बुमराह को स्पेशल बनाती है? यही चीज है कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है उसकी बॉलिंग। आप देखें इसके अंदर उसके पास खासियत क्या है, एक उसकी पेस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए फास्ट बॉलर की होती है, ना उसके पास इतना स्विंग है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का नंबर वन बॉलर क्यों है? क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक, ऊपर से नाम बड़ा बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने उसका आउट देखा, ऑफ स्पिन करके स्लोअर वन फेंक के ऑफ स्पिन, वहां ठप्पा लगा के वहां इतना अंदर स्पिन जा रहा है, तो वो स्पीड भी उसकी बॉल की बड़ी थी तब, तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव एक चीज थी कि आप चेंज ऑफ स्पीड बॉल की जो करते हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, तो बुमराह उसमें भी माहिर है। तो नसीम शाह किधर है मुझे बता ना, बाबर आजम तुझे तूने कितनी क्रिकेट खेली है, तूने रन भी किए हैं भाई, बोला तो सच कर ना, सच बोला कर, तुझे भी पता है मुझे भी पता है हर बंदे को पता है जसप्रीत बुमराह इज बेटर देन नसीम शाह, 100 times बेटर देन जसप्रीत बुमराह, कह रहा हूँ नसीम शाह। तू उधर अगर कहते थे कि बुमराह की क्लास अलग है, बुमराह की ऑब्वियसली बात है, जब जब एक लिस्ट में इतने बड़े बॉलर का नाम आ गया तो मैं किसी दूसरे को क्यों चुनूं? तूने उधर से बड़ी ओवर स्मार्ट हरकत करते हुए नसीम शाह का नाम लिया, लेकिन वो अबू तेरा बुमराह टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे है इस टाइम, तो भाई उसने तुझे रिप्लाई नहीं दिया, तुझे डांग दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अब्दुल रजाक, वो चुलबुल पांडे, अब्दुल रजाक वो चुलबुल पांडे जो कभी ऐश्वर्या राय के ऊपर आगे बैट कमेंट कर देता है कभी, वो तो फजूल है। उसके घर वाले मोहल्लेदारों के सामने बैठ के ये कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, उसके घर वाले अब्दुल रजाक के मोहल्लेदारों के मुंह के ऊपर या खानदान के मुंह के ऊपर बैठ के कहते हैं कि ये अब्दुल रजाक हमारी आज तक की सबसे बड़ी गलती का नतीजा है, ठीक है। वो आगे कह रहा है इधर कि वो जी पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आप मुझे बताओ एक बंदा जो क्रिकेट खेला हुआ है, जिसने पाकिस्तान को इतना ज्यादा सर्व किया हुआ है, वो इतनी इतनी पाठी और फजूल किस्म की बात कर रहा है, एक बंदे को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक बंदे की परफॉर्मेंस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी गेम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील पाकिस्तान की गली गली में बुमराह। तो वो बुमराह निकाल के लाना, वो किधर है बुमराह, छुपाया हुआ घर में, उसको निकाल के ला। तो उसी बुमराह ने जिसको तूने कुछ टाइम पहले मजाक उड़ाया था, उस बुमराह ने भाई रिप्लाई कर दिया, तुझे टॉप रैंकिंग्स में आ गया, वो नंबर वन इस टाइम टेस्ट रैंकिंग में, दुनिया का वो टॉप का बॉलर है जिसके साथ तू खेला हुआ है, शुएब अख्तर और वसीम अकरम के साथ,
वो लोग कहते हैं कि बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है जो अभी ये 2000 की जनरेशन आई है। तो बता ना मुझे फिर किसी पाकिस्तानी का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने, मतलब लेते ना, उन्होंने बुमराह का नाम लिया, क्यों लिया है? परफॉर्मेंस है, विकेट्स हैं उसकी। वसीम अकरम ने बोला, शुएब अख्तर ने बोला, एक फास्टेस्ट बॉलर है, एक स्विंग का सुल्तान, उन दोनों ने बोला कि भाई वो स्विंग ही करता है, 150 की बॉल भी करता है। इंसान के बच्चे बन जाओ यार, क्यों क्यों बचकाना बातें करते हो? एक वक्त में शुरू में लग रहा था जब शादमान और वो दोनों खेल रहे थे, शादमान और शांटो, पहले जाकिर तो नहीं, शादमान और शांटो खेल रहे थे जब, तो ऐसे लग रहा था कि जनाब एक